मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की ने खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिससे पुतिन बुरी तरह घबरा गए। यूक्रेन के इस हिस्से पर पुतिन ने 2014 में कब्जा किया था। अब उन्हें जंग के बीच क्राइमिया हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर जेलेंस्की के भी हौसले बुलंद हो गए। वो समझ गए हैं कि पुतिन अपनी सेना का जितना डर दूसरे देशों को दिखाते थे वो हवा हवाई था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूसी सेना फिसड्डी साबित हुई है, और इसी वजह से कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का दम भरने वाले पुतिन के जवान यूक्रेन में पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना की पतली हालत को देखकर ही जेलेंस्की की नजरें क्राइमिया की तरफ उड़ गईं, और अब दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया को छीनने के लिए यूक्रेन सबसे बड़ा हमला बोल सकता है, और इसी बात से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने के लिए जेलेंस्की ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से हमले का प्लान तैयार किया, ताकि क्राइमिया में बैठी रूसी सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका जेलेंस्की को खतरनाक हथियारों से भी लैस करने में जुटा है। इसके अलावा उसे नेटो के दूसरे देशों से भी घातक हथियार और ताकतवर ड्रोन भेजे गए हैं, और इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्राइमिया पर जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला करेंगे। यही नहीं, क्राइमिया को फिर से हासिल करने के बाद यूक्रेन ने वहां उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत उस कर्च ब्रिज को भी तोड़ना है जिसे क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने बनवाया था, और इसी कर्च ब्रिज के जरिए रूस काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया के साथ जुड़ता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में पिछड़ने की वजह से पुतिन को क्राइमिया छिन जाने का डर सता रहा है, और उन्होंने क्राइमिया को बचाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने क्राइमिया के समुद्री किनारों की किलेबंदी तेज कर दी। इसके अलावा उन्होंने क्राइमिया के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दी, ताकि यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहां फंस जाएं। समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोदे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां लकड़ी के ऊंचे बैरिकेड भी बनाए गए। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना इस बात से डरी हुई है कि यूक्रेन की फौज कभी भी क्राइमिया पर हमला बोल सकती है, और अगर उससे मुकाबला करने की तैयारी पहले से नहीं की गई तो क्राइमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा, जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। इस बीच इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई, जिससे वहां की धरती कांप गई और लोग दहशत में आ गए। भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के उत्तरी हिस्से में आया। भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर दावा किया गया कि चीन का गुब्बारा अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने में कामयाब हो गया था। चीन के गुब्बारे से जुड़ी खबर फरवरी में आई थी, जिससे जुड़ा यह दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस दावे का मतलब यह हुआ कि अमेरिकी प्रशासन की चीन के गुब्बारे को रोकने की सारी कोशिश फेल हो गई, क्योंकि चीन का गुब्बारा जो करने अमेरिकी सीमा में घुसा था एक हद तक उसने वो कर लिया था। यानी गुब्बारे के मलबे की जांच में जुटे अमेरिका की नाक के नीचे से उसकी सेना का डेटा लीक हो गया, और अमेरिका की लंबी चौड़ी सेना और खुफिया विभाग देखता रह गया। चीन के गुब्बारा कांड से जुड़ा ये दावा अमेरिका के न्यूज चैनल NBC ने किया, और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि चीन का गुब्बारा उसे रियल टाइम डेटा भेज रहा था। यानी वो अमेरिकी सेना से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तुरंत चीन को भेज रहा था। ये वैसा ही है जैसा हम GPS के जरिए किसी की लाइव लोकेशन देख रहे हो और पता लगा रहे हो कि आसपास क्या चल रहा है। मतलब